अब बात करते हैं जनता की ऑडिट रिपोर्ट की। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में बात आज होगी बिहार की, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहिब की जन्मभूमि की। पटना साहिब बिहार की एक ऐसी सीट जहां टक्कर कम चर्चा ज्यादा हो रही है। बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद दूसरी बार मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत को मैदान में उतारा है। बिहार के पवित्र स्थानों में एक पटना साहिब, सूबे की राजधानी, जहां से उठने वाली सियासी लहर का असर न केवल सूबे पर पड़ता है बल्कि देश की राजनीति पर भी। गुरु की धरती पर एक बार फिर चुनावी दंगल सच चुका है। बीजेपी ने पेशों से वकील और कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद पर दोबारा भगवा लहराने का जिम्मा सौंपा। वही इंडिया ब्लॉक ने खाटी कांग्रेस परिवार के अंशुल अभिजीत को उतारकर चुनावी जंग अगड़े पिछड़े में तब्दील कर दी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अंशुल अभिजीत जिंदाबाद। पटना साहब की जनता बहुत ही समझदार है। जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए वो मुझे वोट देगी। जनता जानती है कि देश का विकास उनके हाथ में है, जो उन्होंने करके दिखाया। और जहाँ तक पटना का सवाल है, पटना में मेट्रो आया ना, अटल पथ बना ना, गंगा पर 4 पुल बन रहा है, एक तो बन गया। पटना में एलिवेटेड सड़क बन रही है ना, पटना में TCS आया ना, ये तो कुछ सैंपल है, और काम करेंगे। विकल्प ढूंढ रही यहाँ की जनता, आवाम से पूछिए कि उनकी क्या मर्जी है। हम तो आवाम के पास जाते हैं ना, वो तय करते हैं उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। तो आवाम से पूछिए उनकी मर्जी क्या है और वो विकल्प ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, हमारी एक सकारात्मक योजनाएं भी हैं। पहली नौकरी पक्की, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप जानते हैं, कमर तोड़ महंगाई चल रही है। और दूसरी बात, हम महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपये देंगे, क्योंकि ऐसे वक्त में जब आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो चुकी है, महिलाओं को राहत मिलना बहुत ज़रूरी है और हर वर्ग के लिए हमारे पास योजनाएं हैं। रविशंकर प्रसाद की गिनती भाजपा के कद्दावर नेताओं में होती है। कोर्ट में विरोधियों के पसीने छुड़ाने वाले रविशंकर देश के कानून मंत्री तक रह चुके। राजनीतिक विरासत की बात करें तो पिता ठाकुर प्रसाद को बिहार में भाजपा का जनक कहा जाता है। संघ की पृष्ठभूमि पर पले बढ़े रविशंकर प्रसाद 2 मरतबा राज्यसभा सांसद रह चुके और 2019 में पहली बार लोकसभा के मैदान से राजनीति में आगाज किया। वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD होल्डर अंशुल अभिजीत उप प्रधानमंत्री रह चुके बाबू जगजीवन राम के नाती। मां मीरा कुमार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। विदेशों से पढ़े लिखे अंशुल ने भी राजनीति का ककहरा घर के आंगन से ही सीखा। जनता कहती है कि कौन उनका नुमाइंदगी करेगा, ये गलत प्रचार फैलाया जा रहा है। और आप जानते हैं, ये लोग माहिर हैं। इसी तरह के प्रचार आप 2004 में भी हुआ था और लोगों ने आईना दिखाया था, हकीकत बतलाई थी। यहाँ पर भी ये जो गढ़ है ना, ये बस एक कागज़ का महल है, खोखली राजनीति है, सियासत है। और 1 तारीख को ये निश्चित है, 1 तारीख को ये जो गढ़ है ना, ये गंगा जी में बह जाने वाला है।